ठीक है, तो कुल मिलाकर के माइक्रो नीश को भी हमें फोकस करना है। तो हम लोगों ने कुछ रास्ते देख लिए जिससे कि हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉफिटेबल नीश को सेलेक्ट करेंगे और उन नीश पे काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला और मेजर पॉइंट क्या समझ में आया कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है ना। अच्छा, सोर्सेज ऑफ नीश की अगर बात करें तो ये पीपीटी दे दूंगा, इसको बाद में समझेंगे। एलिमेंट ऑफ नीश, नीश को सेलेक्ट जब करना है तो कुछ बातों को ध्यान रखना। सबसे पहले वो प्रॉब्लम और पैशन को डेडिकेटेड होना चाहिए। किसको डेडिकेट होना चाहिए? प्रॉब्लम को और पैशन को। जैसे मान लीजिए उस चेयर का प्रमोशन आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, चेयर की नीड किसको पड़ेगी? ऑफिस पर्सन जो होंगे, है ना, जो कि मतलब जिनका 12 से 15 घंटे दिन का केवल काम काम में जाता होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम को भी फोकस करना है। और पैशन, मान लीजिए कुछ लोगों का केवल पैशन होगा कि नहीं, मुझे अच्छी चेयर में बैठना है जिससे कि मेरा पोस्चर, मेरा बॉडी एकदम बिल्कुल फिट रहे हमेशा। तो जो भी नीश सेलेक्ट करो ना, वो प्रॉब्लम और पैशन को डेडिकेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल किसके लिए? क्लाइंट के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आदमी 10 रुपए की चीज भी खरीदता है ना, तो वो उसमें फायदा ढूंढता है। आप अगर सामने वाले को 7,000 की चेयर बेच रहे हो, वो खरीद लेगा, नो डाउट। उसके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्लाइंट को फायदा हुआ तो जाहिर सी बात है आपको तो होगा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एवरग्रीन होना चाहिए। ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मत चूज कर लेना जो कि मतलब होता है ना, ट्रेंडिंग में होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ चीजें ऐसे ही खरीद लेते हैं जिनका उनको खुद को पता होता है कोई रोल नहीं है इसका, कोई नीड नहीं है इसकी। हमारे जीवन में अगर ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी वो उसको ले लेते हैं। क्यों? उन्होंने कहा ट्रेंडिंग है यार, सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे। आजकल एक मोबाइल का बैक कवर चल रहा है ब्लैक और गोल्डन कलर का, ट्रेंड में है। उन्होंने सबने कहा कि सब ले रहे हैं, मैं भी लूंगा। होता है कि नहीं? उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर चल रहा है, मैं भी ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर लूंगा। ट्रेंडिंग है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो वो आज चल रहा है, कल उसका क्या होगा किसी को नहीं पता। यानी वो प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट तो है ही नहीं। ठीक, तो यानी हमें इसको भी ध्यान रखना है। स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब कौन बताएगा? किसको समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेसिफिक? तुम ही लोगों से पूछते हैं। चलो, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेसिफिक? सर एनी पार्टिकुलर थिंग वो तो ठीक है, क्या मतलब है कहने का? किसी कोई प्रोडक्ट की ड्यूटी का थोड़ा लाउड उसमें बोलिए, कुछ आपकी वॉइस लो आ रही है। खाली, तो जैसे हमने कोई प्रोडक्ट चूज किया ब्यूटी से रिलेटेड और हाँ उसके हम सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लाइक फाउंडेशन भी सेल कर रहे हैं, आईशैडो हाँ भी सेल कर रहे हैं, तो हाँ वो कितने कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो सब मेकअप एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी, तो वो हाँ चीजें अच्छी है। और सब फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बिल्कुल सही बात दवाइयाँ है। भी तो सबको होती है। देखो, कुछ चीजें हैं बेहद जरूरी हैं। जैसे एक मान लो हेल्थ का टॉपिक, ये एवरग्रीन है। हेल्थ से रिलेटेड चीजें लोग जीवन भर खरीदेंगे। एजुकेशन, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बैक पेन हो गया, है ना, बाइक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें लोगों रेस्टोरेंट से, हाँ, ये सारी की सारी चीजें लोगों से हमेशा जुड़ी रहेंगी। समझ रहे हो? मैट हो गया, है ना, तो मतलब कुल मिलाकर के मैट्स भी लोग बाय करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, स्पेसिफिक का नहीं मतलब स्पेसिफिक का मतलब ऐसा समझो कि जो यूजर चाह रहा है उसको वही दो, मिलता जुलता कुछ मत दो। समझ रहे हो ना? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाजार में जाते हैं कोई चीज को बाय करने के लिए, हम लोग जो ढूंढने जाते हैं वो नहीं मिलता है, उससे रिलीवेंट, उससे सिमिलर कुछ मिल जाता है तो हम लोग ले लेते हैं। तो लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बनी रहती है ना कि यार वो जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो कुछ मिथ है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। पहला मिथ ये है कि मोर प्रोडक्ट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। पहला क्या है? मोर प्रोडक्ट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, एक दो प्रोडक्ट पे फोकस मत करो। उन्होंने क्या बोला कि एक दो प्रोडक्ट पे फोकस मत करो, एक दो प्रोडक्ट पे फोकस करते रहोगे तो कब तक मेहनत करोगे। उन्होंने कहा एक काम करो, ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करो, किसी से 2% कमाओगे, किसी से 4%, किसी से 10%, तो ना ही आप एक पे ध्यान दे पाओगे, ना ही दो पे, ना ही 10 पे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि मोर प्रोडक्ट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। ज्यादा प्रोडक्ट होंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है भाई। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक चीज और होती है, मैं कह रहा हूं कि मैं हमेशा एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ। मैं हमेशा किसके बारे में बात करता हूँ? एजुकेशन के बारे में। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है और मैं उस यूट्यूब पे चैनल पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ। ठीक,
मेरे पास जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो सब कौन होंगे, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। हाँ है ना, अगर मैं अचानक से अपने वीडियो के बीच में उनको उस चेयर का प्रमोशन करने लगूं तो क्या वो मेरी चेयर को बाय करना पसंद करेंगे? इवन उनका विश्वास मेरे ऊपर से भी उड़ जाएगा। हाँ है ना, कि अंकित सर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं कि चेयर बेचा करते हैं, समझ रहे हो ना? इमेज आ रही ना माइंड में क्या बन रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं किसी सप्लीमेंट के बारे में एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दूं। मैंने कहा मैं सप्लीमेंट को प्रमोट करूंगा, मेरे दोस्त है वो सप्लीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैं अपने वीडियो में मैंने कहा कि 5 लाख की ऑडियंस है, 30,000 40,000 लोग मेरे को एक बार में लाइव सुनते हैं। मैंने कहा उसी बीच में मैं सप्लीमेंट का एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, 10-20 तो तेरे बिकी जाने, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होगा, मैं चाहे अपने ऑडियंस से कितना चिल्लाऊं कि उस सप्लीमेंट को खरीद लो, वो एक बार भी मेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन कोई हेल्थ कंसल्टेंट आ जाएगा जो कि उनसे सिर्फ एक बार बोलेगा कि ये सप्लीमेंट खरीद लो, खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे नीश का टॉपिक है ही नहीं, वो मेरे नीश का पॉइंट है ही नहीं, वो नीश दूसरे का है। तो जिसका नीश उसी को साझे, ठीक? कुछ लोग कहते हैं योर अर्निंग डिपेंड ऑन लक, कुछ लोग कहते हैं यार एफिलिएट मार्केटिंग तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तुम अच्छा कमा ले रहे हो, हम नहीं कमा पा रहे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है यार, देखो तुम्हारी अर्निंग जो होती है वो लक पे डिपेंड है। यार किसने बोला अर्निंग लक पे डिपेंड करती है? अर्निंग केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, कोई बताएगा क्या है? अर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर, कोई बताएगा? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन हम कैसा प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट आ रहा है, प्रेजेंटेशन। और बताओ, प्रोडक्ट कितना ज्यादा नीडेबल है, कितना ज्यादा पर उसकी हमारे जरूरत पास है। ऑडियंस कितनी ज्यादा अच्छी है। अरे चलो और बताओ, अर्निंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन फैक्टर, दैट इज हार्ड वर्क। दैट इज हार्ड वर्क, वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज कर लिया तो उस पर हार्ड वर्क करो। जितने ज्यादा तरीके से ऑडियंस नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो उतने ज्यादा तरीके से ऑडियंस नेटवर्क बिल्ड करो। कैसे कैसे करना है वो भी हम सब बताएंगे, ठीक है? स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कुछ लोग बोलते हैं कि स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों ने क्या बोला, स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती, ये सुनते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा यार स्किल्स की जरूरत नहीं होती, एक बात बताओ, एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुल कब होगी? जब ऑडियंस होगी। ऑडियंस ऑडियंस लाने के लिए क्या करोगे, फेसबुक पे पेज बनाओगे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओगे, उन पर एड्स रन करोगे। एड्स रन करोगे तो कीवर्ड रिसर्च करोगे, किन कीवर्ड्स पर ऑडियंस ज्यादा जा रही है, कीवर्ड प्लान करने पड़ेंगे, है ना? हाँ है ना, एसईओ करना पड़ेगा, वेबसाइट को ऊपर लेके आना पड़ेगा, मॉडल कौन सा है ये भी चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लिक का मॉडल है, सेकेंड क्लिक का मॉडल है, पीपीसी है, पीपीएस है, रिकरिंग कमीशन बेस है या नहीं है, साइड वाइड बेस है या नहीं है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ लीड जनरेशन करना पड़ेगा, ईमेल का कलेक्शन करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और कोई कह रहा है स्किल्स की जरूरत नहीं होती, यस सर, सर अब करना कोई पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ना कि स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बात सही कि गलत है? गलत है, पहली बात भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी भी गलत। कुछ लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, टाइम पास है। किसको लगता है कि एक बिजनेस नहीं है? जितने लोग ऑनलाइन क्रिएटर होते हैं किसी को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस नहीं है? बोलो क्या लगता है, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस, ट्रू और फॉल्स? क्यों? फॉल्स। ऐसी बात है ना कि हम लोग के पास जब अच्छा ऑडियंस नेटवर्क है, हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, सेल ला के दे सकते हैं, तो कैसे ये बिजनेस नहीं होगा? हाँ ये बात जरूर होती है कि आप इसको शुरुआत में पार्ट टाइम बेसिस पे करो, जब इसमें एक्सपर्टाइज होने लगे तो आप इसको फुल टाइम पे करने लग जाओ, ठीक है ना? अच्छा कुछ लोग कहते हैं इसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है, मैं भी कहता हूँ कई केस में कि वेबसाइट होना चाहिए, अच्छा इम्पैक्ट जाता है, लैंडिंग पेज हो जाता है, ऑडियंस आपके पेज पर लैंड करती है, उसको आप पे ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक बात पता है, वेबसाइट नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेंगे, ठीक है ना? अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट कर लेंगे। यू हैव टू एक्सपर्ट ऑफ ऑल द फील्ड फॉर द सेम, आपको सारी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लाइक पीपीसी, पीपीएस, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, है ना, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट हो या ना हो, दो चार चीजों में एक्सपर्ट हो जाओ, बाकी चीजों का थोड़ा एक बेसिक आइडिया और नॉलेज भी हो तो भी काम
किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट और डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में मैं बोलता हूँ, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है कि पहले पूरा सीखेंगे फिर करेंगे। कुछ लोगों का कहना क्या होता है, पहले पूरा सीखेंगे फिर करेंगे। मेरा कहना क्या है, सीखते जाओ करते जाओ, सीखते जाओ करते जाओ, थोड़ा सा नॉलेज ले लो करते जाओ, जब दिक्कतें आएंगी अपने आप चीजों को सॉल्व करना शुरू करोगे, सीखते चले जाओगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक है ना। सीखने के बाद करने का इंतजार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, कभी नहीं शुरू कर पाओगे, क्योंकि कभी किसी चीज को कोई पूरा सीख ही नहीं पाया है, ठीक। कंज्यूमर डोंट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, एक मिथ बहुत बना हुआ है कि लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग पसंद नहीं आती। किसने बोला? अगर उनको कमीशन, अगर उनको फायदे दिखा रहे हो, ऑडियंस को दिखा रहे हो कि तुम अगर मेरे थ्रू ये प्रोडक्ट लोगे तो 20% तुमको और ऑफ मिल जाएगा, डायरेक्ट लोगे तो इतने का पड़ेगा, तो लोग क्यों नहीं लेंगे? समझ रहे हो? दिस कांट बी फुल टाइम बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं कि फुल टाइम बिजनेस नहीं हो सकता, शुरुआत में तो नहीं हो सकता, ये तो हम भी कहेंगे। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग के मेहनत करनी होगी। आपको पता है एक बच्चा है 15 साल का, उमर कुरैशी नाम है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना। वो बच्चा महीने का 7 लाख से 7.5 लाख रुपए कमा रहा है केवल एफिलिएट मार्केटिंग करके, उमर कुरैशी। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना, ठीक है। क्या नाम उसका? हाँ हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इतना गला खराब होने के बाद भी कंटिन्यू 2 घंटे हो गए ना, कुछ चिल्लाते चिल्लाते ना, 1.5 घंटा। हो ऐसे तुम लोगों का प्यार है। हाँ तुम्हें पता है, मेरे को जितनी चीजें आज की डेट में आती हैं, जितनी चीजें मेरे को नॉलेज है, इन सब चीजों को लेकर के अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर उतरूँ तो हो सकता है कि मैं महीने का 5 लाख 6 लाख रुपए कमा सकता हूँ। बट पढ़ाना इज मेरी हॉबी, ऐसे समझो। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं जिससे कि वो अर्न कर सके, ये काम करना मेरा एक पैशन है। तो बेसिकली मैं अपने नीश पे काम कर रहा हूँ। मैं कोई जॉब करके पैसा कमाऊं वो मेरा नीश है ही नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, पढ़ाना इज माई हॉबी। अब चलो हम लोग एक काम करेंगे, शुरुआत जब हम लोगों ने क्लास की थी तो हम लोगों ने लगभग 5 प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था, याद है? ठीक, इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो है क्लिक बैंक। कौन सा है? क्लिक क्लिक बैंक। क्लिक बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के एफिलिएट मार्केटर खुद को रजिस्टर करते हैं, वेंडर्स अपने प्रोडक्ट को डालते हैं और लोग यहां से प्रोडक्ट को उठाते हैं और अलग अलग तरीके से उनको प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बेसिकली और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अच्छा मैं कुछ प्लेटफॉर्म और भी सजेस्ट कर दूंगा इसी के साथ साथ। लगभग 5 प्लेटफॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सबसे पहले कमीशन जंक्शन। कमीशन जंक्शन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कमीशन जंक्शन को इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म इधर मैं और भी बढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? जेवी जेवी जू, ठीक है। ये भी एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी जाकर के एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। शुरुआत में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लिक बैंक के साथ काम करिए। पूरी क्लास के दौरान मेरा जो फोकस रहेगा वो सबसे ज्यादा किस पे रहेगा? क्लिक बैंक के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे? क्लिक बैंक के पास, ठीक। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ अगर जुड़ के काम करना है, इसी के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम है माउंट बैक्सी। क्या नाम है? ऑन सर्च करता हूँ, कुछ स्पेलिंग शायद मैं भूल रहा हूं। देखो इसमें आ रहा है ना, कैनवा का नाम भी आ रहा है ऊपर। आजकल होस्टिंगर भी एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे काम कर रहा है। चलो उस प्लेटफॉर्म को बाद देखेंगे, अभी हम लोग का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? क्लिक बैंक के ऊपर, ठीक है। क्लिक बैंक पे चले जाओ, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा कमीशन क्लिक बैंक दे रहा है। पूरी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में
चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, क्लिकबैंक से ज्यादा अच्छा कमीशन कोई दे ही नहीं पाएगा। अमेजन भी इतना अच्छा कमीशन नहीं दे रहा है जो क्लिकबैंक दे रहा है। अच्छा, अगर अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ के काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमेजॉन सेलर सेंट्रल पे जाके खुद को रजिस्टर कर लेना। आज तुम लोगों का होमवर्क ये रहेगा, क्या होमवर्क है बता रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, अलग अलग एफिलिएट नेटवर्क पे जाकर के आपको अपना अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। मेक अ स्ट्रेटेजी टू सेल प्रोडक्ट्स बाय एफिलिएट मार्केटिंग। आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी बनाइए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर पाए, बताइए। सर कितनी साइट्स पे लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब एक दो, देखिए, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ पांच बता हैं। दे रहा हूँ, क्लिक बैंक पे कर लो, जेवी जू पे कर लो, ठीक है ना, और यस अमेजन सर, फ्लिपकार्ट पे कर लो, ठीक है। तो एक चीज और अमेजन बता रहा फ्लिपकार्ट पर क्लिक करने के लिए सर माउंट बैक्सी पे करना होगा। हूं, नहीं रहने दो, कुछ चीज और बता रहा हूं। एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हो, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर देखा होगा तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं तो कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर मैक्सिमम एक हफ्ता तो लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो ये बेहद मुश्किल मेरे लिए भी हो जाता है कि 1-1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको मैक्सिमम जितना कवर करा सकता हूँ मैं बिल्कुल करा देता हूँ, ठीक। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, लॉग इन करेंगे। थ्योरी तो बहुत सारी चीजें मैं स्किप कर देता हूँ, केवल मेन मेन बातें आप तक पहुंचाता हूँ। लॉग इन कर लो। लॉग इन तो तब होगा ना जब अकाउंट होगा। तो पहले तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अकाउंट क्रिएट करना। क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाओ, ठीक। यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, कई केस में ऐसा भी होता है कि आप लोग यहाँ पर जब गलत इंफॉर्मेशन भरते हो ना तो ये लोग आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। फिर इस केस में आप परेशान हो जाते हो कि मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हो गया। इस पर जो भी इंफॉर्मेशन डालना बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट डालना, कुछ भी गलत मत डालना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी गलत हमको डालना ही नहीं है। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, अभी मैं अपना ही नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। और कोशिश ये करो एक बिजनेस ईमेल बना लो और बिजनेस ईमेल के थ्रू काम करो। अच्छा एक चीज और है, पासवर्ड जब बनाओगे तो ये पांचों बातें इनकी फॉलो करनी होंगी, वरना ये बनाने ही नहीं देंगे आपको। सर पासवर्ड में ईमेल का पासवर्ड डालेंगे ना? नहीं, ये आपका अपना पासवर्ड होगा। ओके। समझ रहे हो, मैंने पासवर्ड बना लिया है। ये देखो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया, ओपन नहीं किया जाता है, गलत बात होती है, समझ रहे हो। एक मिनट रुक जाओ, मैं पासवर्ड यहीं लिख लूँ, मेरे भी आगे काम आएगा ना। कंटिन्यू टू टर्म्स एंड कंडीशन। फिर यहां से क्या करोगे? क्रिएट अकाउंट। कह रहा है कि हम लोग फ्री में ट्रेनिंग और क्लासेस भी देते हैं, तो क्या आपको चाहिए? क्या करोगे? नो थैंक्स, हम लोग खुद इतना पढ़े लिखे हैं कि हम लोग कर लेंगे, ठीक। साइन अप करना बेहद इजी है, डाउनलोड सप्रेशन लिस्ट एंड एक्सेप्ट। एक लिस्ट इनकी डाउनलोड हो जाएगी। एक ऑप्शन और आ रहा है, कंप्लीट माय प्रोफाइल का। ये किसी काम की लिस्ट नहीं है, इसको डिलीट कर देना बाद, ठीक।
प्रोफाइल कंप्लीट जरूर कर लेना, बिना प्रोफाइल कंप्लीट करे कुछ मिलेगा नहीं। एक रिकवरी ईमेल भी डाल देना, हर एक चीज डालनी है यहाँ पे, वरना सब बेकार हो जाएगा। हाँ, पेई का नाम का मतलब ये है कि ये लोग जब आपको पेमेंट करेंगे तो किस नाम से करेंगे। मैंने कहा मेरे बिजनेस के नाम से इनको पेमेंट कर देना। क्लियर? आई वॉन्ट टू, कह रहा है कि आप किस तौर पे ज्वाइन करोगे। हम कह रहे हैं सी फिजिकल प्रोडक्ट, हम केवल प्रोडक्ट को फिजिकली देखना चाहते हैं, हम डिजिटल सेल करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं एज अ एफिलिएट। क्या करोगे? थर्ड वाला। ठीक, कंपनी का एनुअल रिन्यू रेवेन्यू कितना है? अभी तो नई नई कंपनी है, $25,000 से ज्यादा हम लोग कमा ही नहीं पाते हैं। सेव कर लो। ठीक है, नो थैंक्स, योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना? हाँ, अब आपको अगला स्टेप ये है कि आपको अपना एक निकनेम बनाना पड़ेगा, और जो निकनेम बनाओगे इसी को ही बोलते हैं एफिलेट लिंक, और इसी को ही बोलते हैं एफिलेट आईडी, जिसको हम लोग बारे बोल रहे थे यूनिक होती है, यूनिक होती है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट माई अकाउंट निकनेम। ठीक है, क्रिएट अ निकनेम। अकाउंट का टाइप क्या रखोगे बताओ, इन इसमें से क्या लेना पसंद करोगे? हम सेलर और एफिलेट दोनों तौर पे काम करेंगे। ठीक है, यस सर, निकनेम सेलर अपडेट। ले लेते हैं LITS KNP बस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, द निकनेम इज अवेलेबल। या फिर हम निकनेम लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन ले ले, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। LITS KNP ले लेते हैं। ठीक, नहीं ना दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, इस निकनेम पे क्लिक कर लेना। कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आ रही है, इनको कर लो। एक्सपेंड करो सबसे पहले, तो यहां से एक्सेप्ट करो। हाँ, कह रहा है कि हमें आपकी ईमेल वेरीफाई करनी है, लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक, तो ईमेल वेरीफाई करा दो उसे। ठीक, वेरीफाई हो गई है। ठीक, म्यूट खुला हुआ है किसी का, म्यूट बंद कर लो। इसको रीलोड कर लो। सर किसी लिंक पर क्लिक करने पर ये लोग डेटा तो नहीं ना नहीं, ऐसा कुछ कलेक्ट नहीं, करेंगे? ये बहुत बेस्ट और सिक्योर है। ओके, वहीं सर। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जाके अकाउंट सेटिंग्स पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अकाउंट सेटिंग्स। और यहाँ पे आपको पेमेंट के मोड वगैरह सारे देने होंगे। पासवर्ड यहीं से चेंज होता है इसका। पेमेंट इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे हम लोग, बाकी सब कुछ सही है ना, पढ़ लो एक बार। ठीक, पेमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, बिल्कुल लिखा हुआ साइड में, एडिट दिखा, ये देखो कर्सर की पोजीशन देखो मेरी। पेमेंट यस सर, थ्रेशोल्ड में क्या लिखा हुआ है? $100। इसका मतलब होता है कि जब तक तुम्हारा $100 का कमीशन नहीं हो जाएगा, तब तक ये तुम्हारे खाते में भेजेंगे नहीं। परेशान हो जाओगे $100 में तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तुम बड़े एफिलेट बन जाओगे
तो तुम $100 थोड़ी ना सेलेक्ट करोगे, तो हो सकता है तुम $250 करोगे। तुम कहोगे जब एक बार में 250 हो जाए तब हमको देना सीधा। कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि अभी रखे रहो, जब इतना हो जाएगा तो हमको दे देना। तो अभी हम बहुत छोटे एफिलिएट, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं $10, मतलब 800 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा है कि हम आपको चेक देंगे। हमने कहा चेक आप दोगे तो कब आप चेक दोगे, कब फिर हम खाते में लगाएंगे? कोरियर आता है ना फिर वहां से। हमने क्या कहा, यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे खाते में करा देना, ठीक? वीकली या बाई वीकली? हमने कहा वीकली करा दो। बैंक कंट्री कहाँ की है? इंडिया, ठीक? बैंक सिटी सब भर लो एकदम क्लियर। पहले सीख लो अकाउंट कैसे बनाना है। बैंक का नाम, ठीक है? अकाउंट डिटेल भी भरना है सर? सब कुछ भरना पड़ेगा। बना पेमेंट देंगे कैसे वो? हाँ, बैंक का नाम क्या है जिसमें वो जिसमें आपको बना, पेमेंट चाहिए। हाँ, इसमें कोई जिसका अकाउंट बना हो। यहाँ से सेविंग ले लो। हमने कहा सेविंग अकाउंट, ठीक है? हमने कहा मेरा सेविंग अकाउंट है, सेव चेंजेस, ठीक? ये सब बाद में चेंज हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट मेथड में चेक आ गया क्या? गड़बड़ हो गया। चलो समझ गए हो ना करना क्या है, पर तो लोग है ना। बस इतनी सेटिंग करनी है। अब आप आ जाओ, इसको रिलोड करते हैं। अब आप यहां से अपना अकाउंट ट्रैक कर सकते हो। डैशबोर्ड पे आ जाओ। अभी क्या दे रहा है? नो डेटा फॉर डेट रेंज। ये आपको पूरा ग्राफ बना के देता है, ठीक है ना? उस ग्राफ में आप सब कुछ देख सकते हो। यहां से आप एफिलिएट मार्केट प्लेस पे जाओ। और यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक? और लगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी दी कि नहीं दी है। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि पहली बात तो क्लिक बैक पे अकाउंट बना लो। लगभग सभी लोग 7 टॉपिक सेलेक्ट करके रखो। कितने? 7 टॉपिक्स। मैंने कहा मुझे सिर्फ एजुकेशन अच्छी लगती है, एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता, तो मैं एजुकेशन पे काम करूंगा। मेरा नीस का डोमेन क्या है? एजुकेशन। यहाँ से गार्डनिंग पे चले जाओ या लैंग्वेज पे चले जाओ। हमने कहा कि मुझे जापानीज लैंग्वेज आती है, मैं जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों पे काम करूंगा, ठीक? मैंने कहा मुझे मोबाइल फोन में बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उससे रिलेटेड मैं सॉफ्टवेयर को सेल करना पसंद करूंगा। समझ गए हो कि नहीं? ये देखो, ठीक? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, मैंने कहा मैं बिजनेस पे जाऊंगा यहाँ से, और यहां से जा करके और कुछ देखते हैं। ग्रीन प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूं मैं। मैंने यहां से बोला कि मैं कंजर्वेशन और एफिशिएंसी से रिलेटेड ग्रीन प्रोडक्ट को बेचूंगा, ठीक है? सबसे पहली बात आपको ये जरूर देखना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑलरेडी कितने लोग बेचने में लगे हुए हैं। समझ रहे हो? ये भी आपको बताएंगे अभी। जैसे मान लो आपने बोला ये सब प्रोडक्ट ना यहाँ के दिखा नहीं रहे शायद, नहीं, ठीक है? ठीक है, मैंने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओ, कर एवरेज पर कन्वर्जन कितना दे रहे हैं हमको? $45 दे रहे हैं एक कन्वर्जन पे। मैंने कहा हम ये वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, कौन सा? टर्न टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब लिखो उसको और वो किसमें कन्वर्ट कर देगा ऑडियो में। मैंने कहा इस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल समझना, ठीक? इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी ये हमको खुद ही देंगे। मतलब जितना भी इनका प्रमोशन मटेरियल है ना, ये हमें कहीं से लेके नहीं आना है, ये सारा प्रमोशन मटेरियल हमको यहाँ पे सब मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं होप लिंक। क्या बोलते हैं? होप लिंक। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होप लिंक है ये। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एफिलेट पेज, इसके एफिलेट पेज पे क्लिक करो।
ये खुल गया इसका एफिलेट पेज। एफिलेट पेज का मतलब है कि तुम क्या क्या चीजें इनकी यूज कर सकते हो इनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। थ्री रीजंस टू प्रमोट स्पीच लो, इन्होंने बेसिकली क्या दे दिया, अपनी सारी बातें बता दी हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या खास बात है, समझ रहे हो। यहां से तुम चीजों को उठा सकते हो और एज अ डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो, समझ रही मेरी बात। तुम्हें डिस्क्रिप्शन कहीं से सोचना नहीं है, तुम्हें यहीं से ही डिस्क्रिप्शन उठा लेना है। ठीक, मान लो हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, क्या दे रहा है, रिप्लेस कर दो ए ए ए को विथ योर क्लिक बैंक यूजर नेम। ठीक है, इसको यूआरएल को पेस्ट करो, और जहां ए ए लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे, हम लोगों ने किस नाम से बनाया था, LITS KNP, है ना। ये हमारा एफिलेट लिंक खुल जाएगा। ये तो निकनेम है ना भैया, हाँ यूजर हाँ नेम बोल रहा वो। नहीं, ये आपका निकनेम नहीं है, एफिलेट नेम है। ये आपका निकनेम है ना, यूजर नेम और निकनेम एक ही बात होती है। ठीक, ये कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी आपको देंगे, ठीक है ना, तो ये प्रमोशनल वीडियोस भी आप यूज कर सकते हो। Is able to transform any text into speech and read it in such a natural sounding way that it's tough to tell it was generated by a computer and not a real human being. तो इस तरीके से आप यहां से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करोगे, ठीक है। और इनको प्रमोट करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम फेसबुक के थ्रू इनको प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पर। अच्छा, एक चीज और होती है, फेसबुक पर कभी भी डायरेक्ट लिंक नहीं देनी चाहिए। क्या मैंने बोला, फेसबुक पे कभी भी डायरेक्ट लिंक नहीं देनी चाहिए, इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। हमें केवल लिंक उन लोगों को देना चाहिए जो कि सच में उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये कैसे पता करोगे, यही तो ऑडियंस बिल्डिंग और ऑडियंस टारगेटिंग है जिसको कि हमें सीखना है, ठीक है। तो ऑडियंस टारगेट कैसे करना है, इस बारे में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक। अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, मेरे गले में फिलहाल तकलीफ होने लगी ज्यादा, तो होपफुली एफिलिएट मार्केटिंग का एक क्विक ओवरव्यू आप सभी को समझ में आया होगा। जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, क्या सभी को आज की क्लास अच्छी लगी, एक बार कंफर्म कर दो। यस यस सर, सर, यस सर, कैसा रहा यस एक्सपीरियंस सर, आपका आप यस लोगों का, सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। तो यस सर। होपफुली सर एक एफिलिएट इशू है। मार्केटिंग का। हाँ जी बताइए। सर इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं मैं उसको भी देखना चाहता हूँ, अटेंड करना चाहता हूँ, वो सर कैसे हो सकता? आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक, ओके सर। सर आज का होमवर्क रिपीट कर दीजिए एक बार। अभी ये पीपीटी आपको लोगों को शेयर कर दी जाएगी, आज जो क्लास हुई है ना, इसका पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, इसमें होमवर्क आपका लिखा हुआ है। स्लाइड नंबर कौन सी है ये, जस्ट अ मिनट, स्लाइड नंबर 17, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क लिखा हुआ है सामने। सो होपफुली यू ऑल गाइज आर एंजॉइंग डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स। सर ये यस सर, वीडियो का लिंक भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल, आज की रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी। तो जी सर। होपफुली मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरी यस बातों को फॉलो करते जाइए, जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको करते चलिए। ये मेरी गारंटी कि आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग की पूरी ट्रेनिंग के दौरान सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ओके जितने भी सर। एस्पेक्ट आते हैं वो जी सारे सर, एस्पेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा थैंक होमवर्क करेंगे, मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।